हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी संस्कृति होम्स चैनल। और आज हम बनाएंगे यहाँ पे ब्राउनी केक। मैंने यहाँ पे कम इंग्रेडिएंट से यह केक बना के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा यह वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि मैंने यह केक कैसे तैयार किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 हैप्पी हैप्पी के बिस्किट के पैकेट लिए हैं, जिनको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल 50 पीस बिस्किट लिए हैं। इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा कप शुगर ऐड करूँगी। शुगर को मैंने पहले से ही पीस के रखा था। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैं 1 कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क को एक साथ ऐड ना करें, धीरे धीरे करके ऐड करें। और इसके सारे लम्स वो आप धीरे धीरे करके निकालें। इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने टोटल मिल्क इसके अंदर डाल दिया है। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना है मेरा। अब हम एक मोल्ड में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ऑयल लगाना है, चारों तरफ ऑयल लगाना है। अब बैटर के अंदर आधा टीस्पून इनो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस बैटर को हम मोल्ड में डाल लेते हैं। अब इसको धीरे धीरे इस तरह से टैप करें ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। मैंने अवन को पहले से ही हीट करके रखा था। ये देखिए, मैंने इसको 5 मिनट और हीट किया है और केक बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनास लगाया है, जो मेरे पास पहले से अवेलेबल था। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से गनास को फैला के डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे जेम्स से डेकोरेट की है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना स्मूथ केक बना है मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना अच्छा स्पंज बना है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप यह केक बनाइए, सबको खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।